मैं हूं निम्रा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा बरतानिया के साथ तजारती मुजाकरात के दोबारा आगाज के लिए पुरअज़म। कनाडा के वजीर सनत का कहना है कि बरतानिया और कनाडा दो सदियों से तजारत कर रहे हैं। कनाडा और बरतानिया के मसनू जहानत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ का बजट के वर्जन का ऐलान। मेयर ने कहा कि शहर में अखराजात बढ़ रहे हैं, शहर को पटरी पर वापस लाएंगे। टोरंटो में एक दहाई बाद सबसे ज्यादा अवर आलूद मौसम का रिकॉर्ड। 2013 के बाद जनवरी में टोरंटो का मौसम तवील अरसे तक अवर आलूद रहा। वीकेंड पर शहर में धूप निकली रहने का इम्कान। मशरिक़ वुस्ता में मौजूदा सूरत हाल खतरनाक है। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है कि अमरीका उर्दन में फौजी अड्डे पर हमले का जवाब देगा। हालिया वाक़ियात के बाद शाम और इराक से अमरीकी फौजियों का इनखला ज़ेर गौर नहीं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कनाडा के वजीर सनत ने गुज़िश्ता हफ्ते बरतानिया के मुल्क के साथ तजारती मुज़ाकरात की मुअत्तली को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर सनत फ्रांसवा फ्लिप शैम्पियन ने गुज़िश्ता हफ्ते बरतानिया के मुल्क के साथ तजारती मुज़ाकरात की मुअत्तली को मुस्तरद कर दिया, क्योंकि उन्होंने जिद्दत, साइंस और मसनू जहानत पर तआवुन बढ़ाने के लिए बरतानिया के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए थे। शैम्पियन और बरतानिया के टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी मिशेल डॉनलन ऑटावा में दो मुआहदों पर दस्तखत किए ताकि मसनू जहानत से मुंसलिक टूल्स तैयार करने के लिए दरकार प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टेक्नोलॉजीज बनाने में तआवुन किया जा सके। बरतानिया ने गुज़िश्ता हफ्ते कनाडा के साथ आज़ादाना तजारत के मुआहदे पर बातचीत मुअत्तल करते हुए कहा कि जोड़ी को ज़रई मंडियों तक रसाई के लिए कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं मिल सकी। वजीर सनत का कहना था कि जब बात आती है कि हम तजारत से कैसे रुजू करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज आपके पास सबूत मौजूद हैं। वहाँ थोड़ा सा तौकफ हो सकता है, लेकिन हम अपने ताल्लुकात में दुगना हो रहे हैं। शैम्पियन ने मजीद कहा कि हम दो सदियों से तजारत कर रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस पर काबू पा लेंगे। शैम्पियन ने मजीद कहा, हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके ख्याल में बातचीत कब दोबारा शुरू हो सकती है। इसी इंटरव्यू में डॉनिलान ने कहा कि मुल्क कनाडा के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद गहरा करने की कोशिश कर रहा है। दोनों मुआहदों पर दस्तखत हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत और ज्यादा से ज्यादा इम्कानात के लिए मिलकर काम करने की हमारी सलाहियत को उजागर करता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि बातचीत कब दोबारा शुरू हो सकती है। 30 जून 2023 को ख़त्म होने वाले साल में दोनों ममालिक के दरमियान अशिया और खिदमात की कुल दो तरफा तजारत 25.9 बिलियन पाउंड थी, जिसमें कनाडा बरतानिया का 18वां सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। कनाडा की कुल बाहमी तजारत में बरतानिया का हिस्सा 2.7% है। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ ने शहर के 2024 के बजट के अपने वर्जन की नकाब कुशाई की है, जिसमें टैक्स में मुजवजा इजाफे में 1% कमी आई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाओ ने शहर की 2024 के बजट के अपने वर्जन की नकाब कुशाई की है, जिसमें टैक्स में मुजवजा इजाफे में 1% कमी आई है और कयास आरइयों को ख़त्म करने के लिए वो वफाकी हुकूमत पर टैक्स में मजीद इजाफे का इल्ज़ाम लगाकर आगे बढ़ सकती हैं। चाओ ने स्कारब्रो सेंटर स्टेशन पर बजट की नकाब कुशाई की, जहां उन्होंने वादा किया कि स्कारब्रो में तेज़ रफ्तार ट्रांसिट के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। मेयर ने कहा कि शहर में अखराजात बढ़ रहे हैं, इन अदाद व शुमार की तरफ इशारा करते हुए जो जाहिर करते हैं
कि 10 में से एक शख्स फूड बैंकों पर इन्हिसार कर रहा है और कहा कि उनका बजट शहर को पटरी पर वापस ले जाएगा। उन्होंने वबाई मर्ज और माजी की माली हिकमत अमली को मौरद इल्ज़ाम ठहराया, जिसने सख्त इंतखाब करने से गुरेज किया। मेयर के दफ्तर ने तस्दीक की कि ओलिविया चाओ का बजट 10.5% के मुजवजा इजाफे से 1% कम हो जाएगा। मेयर के बजट में प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 8% और इंफ्रास्ट्रक्चर लीवी के लिए 1.5% शामिल है। अपने बजट में ओलिविया चाओ ने कहा कि शहर अब नाकारा लाइन को बसवे से बदलने के लिए अदायगी करेगा। अमले ने एक हालिया रिपोर्ट में कहा कि ये अभी भी मनसूबा बंदी के मरहले में है और हो सकता है कि 2027 तक उसकी फराहमी ना हो। मेयर ने कहा कि उन्होंने शहर के अमले के तजवीज़ करदा बजट में कुछ तब्दीलियाँ की हैं, जिसमें रेंटल इन्फोर्समेंट वर्कर्स के लिए मजीद अमला और वार्मिंग सेंटर्स पर अखराजात में इजाफा शामिल है। काउंसलर्स को मालियाती मनसूबे में तब्दीलियाँ तजवीज़ करने का मौका मिलेगा। सूबे के मजबूत मेयर इख्तियारात के तहत ओलिविया चाओ के पास इन तजावीज़ को वीटो करने की सलाहियत है, एक ऐसी ताकत जो वो इस्तेमाल करने का इरादा नहीं रखती। टोरंटो में ये जनवरी एक दहाई बाद रिकॉर्ड पर सबसे ज़्यादा अबर आलूद रहा है। ताहम माहिरीन मौसमियात का कहना है कि तवील खोई हुई धूप बिलाखिर इस हफ्ते के आखिर में और इसके बाद वापस आएगी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में ये जनवरी एक दहाई बाद रिकॉर्ड पर सबसे ज़्यादा अबर आलूद रहा है। ताहम माहिरीन मौसमियात का कहना है कि तवील खोई हुई धूप बिलाखिर इस हफ्ते के आखिर में और इसके बाद वापस आएगी। जनूबी ओंटेरियो में बहुत से लोगों के लिए एक ज़बरदस्त लेकिन मुमकिन तौर पर खुशगवार तब्दीली होगी। हाई प्रेशर हफ्ते के आखिर में पेशीन गोई पर हावी रहेगा, बादलों की नशोनुमा को रोकेगा और हफ्ता इतवार और इसके बाद के लिए आसमान साफ हो जाएगा। टोरंटो में वीकेंड पर दो धूप वाले दिन गुजरे हुए 10 हफ्ते हो चुके हैं, लिहाजा इन धूप के चश्मों को खोदें और कुछ ज्यादा जरूरी खुशगवार बैरूनी वक्त के लिए तैयार हो जाएं। एनवायरमेंट कनाडा की पेशन गोइयों के मुताबिक ऐसा लगता है कि कम अज कम अगले चंद हफ्तों तक गैर मौसमी तौर पर मुतदल दर्जा हरारत बरकरार है। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक टोरंटो में आने वाले दिनों में धूप वाले आसमानों के नीचे दर्जा हरारत 3 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है, जो अगले हफ्ते के दौरान सर्द तरीन रात के वक्त मनपी वाहिद हिंसों में 0 की हद तक गिर जाएगा। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टन ने कहा है कि मशरक वस्ती में मौजूदा सूरत हाल खतरनाक है, तनाज़े में तौसी से बचेंगे लेकिन अमरीकी दिफा के लिए ज़रूरी इकदाम करेंगे। अमरीका उर्दन में फौजी अड्डे पर हमले का जवाब देगा। मजीद तफसलत इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड जे ऑस्टन ने कहा कि मशरक वस्ती में मौजूदा सूरत हाल खतरनाक है, तनाज़े में तौसी से बचेंगे लेकिन अमरीकी दिफा के लिए ज़रूरी इकदाम करेंगे। अमरीका उर्दन में फौजी अड्डे पर हमले का जवाब देगा। पेंटागन में ब्रीफिंग के दौरान लॉयड जे ऑस्टन का कहना था कि उर्दन में हमला मजाहमती ग्रुपों ने किया, ईरान के इल्म में था, अभी ये वाज़े नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान उन मजाहमती ग्रुपों की ट्रेनिंग और फंडिंग करता है। उर्दन हमले में अमरीकी फौजियों की हलाकत का मरहला वार जवाब देंगे। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि अमरीका के पास कई बार जवाब देने की सलाहियत मौजूद है। इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान बड़ा तनाजा नहीं देखते। लॉयड जे ऑस्टन ने कहा कि ईरानी हौसी ग्रुप को हथियारों की फराहमी बंद करे। हालिया वाकयात के बाद शाम और इराक से अमरीकी फौजियों का इनखिलाफ ज़ेर गौर नहीं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उर्दन में 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत का जिम्मेदार ईरान है, क्योंकि ईरान ही हमला आवरों को हथियार मुहैया कर रहा है। उर्दन में शाम और इराक की सरहद के करीब टावर 22 के नाम से मशहूर अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी मारे गए थे। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।